हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका साथी जितेंद्र कुमार जांगिड़। और आज हम बात करेंगे कला के तत्वों के बारे में। ये दोस्तों, कला का तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक में आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यदि कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगी। वैसे सभी के लिए बहुत ही सामान्य टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि इसमें वो सारी बातें बताई जाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, कला के तत्व, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट या फिर फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स का एक पार्ट कला के तत्व, जिसमें मैंने 150 क्वेश्चनों को भी इसमें शामिल किया है। तो आशा करूँगा कि आपको ज़रूर पसंद आएगा ये। तो यहाँ पे जैसा कि किताबी हम लोग लैंग्वेज में पढ़ते हैं, यहाँ पे एक बहुत सामान्य तरीके से इसको समझाने का मैंने प्रयास किया है कि जिस प्रकार से मानव अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक भाषा का प्रयोग करता है, उसी प्रकार से कला की एक भाषा है। और वो क्या है? तत्व है, ठीक है। तो कला की भाषा जिन अवधारणाओं पर आधारित है उसे तत्व या फिर कला के तत्व कहा जाता है। यानी कि पहले हमें थोड़ा समझना ज़रूरी होता है कि कला के तत्व आखिर है क्या। वैसे हम सभी किताबों में पढ़ ही लेते हैं। संयोजन को आकर्षक बनाने के लिए भी तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं और कैसे उनको हमें यूज करना होता है, वो सभी जानकारी हम इसमें देखते हैं। चित्रकला के तत्वों का सबसे पहले हम सीक्वेंस की बात करें तो ये सीक्वेंस है, इनका क्रम जो है वो है रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। इस प्रकार से छह जो है ये इस प्रकार से अपने चित्रकला के तत्व माने जाते हैं। दृश्य कला की सबसे छोटी बिंदु, सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं इसका, वो रेखा देख रहे हैं। दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिंदु होती है। एक डॉट जो होता है वो दृश्य कला की यानी विजुअल आर्ट की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। और जैसे कि बात करें हम लोग रेखा की डेफिनेशन क्या है, तो दो या दो से अधिक बिंदुओं या सीमाओं के बीच का विस्तार। वैसे अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं ये प्रश्न क्या कि रेखा की डेफिनेशन क्या है, तो बहुत सामान्य शब्दों में दी गई है यहाँ पे कि दो या दो से अधिक बिंदुओं या सीमाओं के बीच का विस्तार जो होता है या दूरी होती है उसको रेखा कहा जाता है। फिर है जो रेखाएँ किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर खींची जाती है उन्हें बौद्धिक रेखाएं कहा जाता है। यह भी एक अच्छा प्रश्न बन जाता है कि बौद्धिक रेखाएं किन्हें कहते हैं। तो जो रेखाएं किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर ड्रॉ की जाती है उन्हें बौद्धिक रेखाएं कहा जाता है। फिर है भावात्मक रेखाएं, जो रेखाएं दर्शक की अनुभूति अथवा भावों को प्रभावित करती है उन्हें भावात्मक रेखाएं कहते हैं। जैसा कि इसकी डेफिनेशन है, भावों का जो है परिलक्षण कर रहा है, भावों को जो है दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको भावात्मक रेखाएं कहते हैं। एक होती है दोस्तों आभासी रेखा, आभास या फिर फेल्ट लाइन या अनुभूत रेखा। उसकी डेफिनेशन क्या है? जब कलाकार एक से अधिक बिंदुओं का अंकन करे और उनके बीच रेखा नहीं खींचे, फिर भी दर्शक को या देखने वाले को अवलोकन करने पर रेखा का भ्रम उत्पन्न होता है। और जो भ्रम जो होता है रेखा का उत्पन्न, उसको अनुभूत रेखा कहते हैं या आभासी रेखा या फेल्ट लाइन उसको कहते हैं। यहाँ पे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत बड़े अक्षरों में बहुत बड़े बड़े तीन डॉट बना रखे हैं, कोई लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक इमेज बन रही है कि ट्राइंगल है। लाइन नहीं है फिर भी लाइन एक दूसरे को शो कर रही है। सेम एज यहाँ पे आप देख पा रहे एक और अन्य लाइन ड्राइंग है जिसमें कहीं कहीं पे लाइनें छोड़ दी गई है, लेकिन उससे आभास हो रहा है कि हाँ ये पैर की लाइन इस तरीके से आ रही है। तो ये क्या है? लाइन ना होने के बावजूद भी लाइन होने का आभास जो होता है वो अनुभूत रेखाएं कहलाती हैं या उनको आभासी रेखाएं कहते हैं। रेखा द्विआयामी होती है दोस्तों, इसका जरूर से याद रखें, रेखा जो होती है वो द्विआयामी होती है, उसके दो ही आयाम होते हैं, लंबाई होती है उसकी चौड़ाई होती है बस, उसकी गहराई नहीं होती है। इसलिए रेखा क्या होती है? सिर्फ द्विआयामी होती है। हाँ, लेकिन हम चाहें तो रेखाओं का प्रयोग करके हम त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, जैसा कि इस पॉइंट में दिया हुआ है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपको यदि अक्षर छोटे लग रहे हैं तो आपने वीडियो जो है उसको रोटेट कर लीजिए, आप बहुत बेहतर तरीके से देख पाएंगे। रेखा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो रूप का सृजन एवं भावों की अभिव्यक्ति होता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि भारतीय जो कला है वो भी भावों पर आधारित कला है, रेखा प्रधान कला है, तो रेखाएं जो हैं वो भाव उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से रूप का सृजन और भावों की अभिव्यक्ति का जो प्रमुख उद्देश्य है ये रेखा के माध्यम से ही हो पाता है। रेखा भावों की अभिव्यक्ति का प्राचीनतम आधार रही है। प्राचीनतम क्यों कहा जा रहा है दोस्तों? कि हमने प्रागैतिहासिक काल देखा है, तो प्रागैतिहासिक काल में भी मानव ने रेखाओं के जरिए ही अपने जो भाव हैं उनको उन्होंने दर्शाया है। किसी भी चित्र में रेखा का प्रतीकात्मक महत्व होता है।
और वह रूप की अभिव्यक्ति और प्रवाह को अंकित करती है। ये एक किताब की लाइन आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि रेखा क्या होती है, प्रतीकात्मक महत्व प्रदर्शित करती है, जैसा कि आप सामान्य तौर पर इसको समझ सकते हैं। फ्लोरेंस के कलाकार अपने रेखांकन के लिए जाने जाते थे। दोस्तों याद रखें, फ्लोरेंस के कलाकार, क्वेश्चन में ये भी आता है कि कहाँ के कलाकार जो है वो अपने रेखांकन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो फ्लोरेंस के आर्टिस्ट हैं। साथ ही भारत में अजंता की गुफाओं में भी रेखाओं के उत्कृष्ट रूप देखने को मिलते हैं। तो भारतीय कला में यदि हम बात करें तो अजंता में जो है रेखाएँ बहुत ही सुंदर रेखाएँ वहाँ पर बनाई गई हैं। एक यहाँ पे मैंने एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, जहाँ पे आप अजंता से प्राप्त एक पद्म पाणी का चित्र है, साथ ही एक और यहाँ पर फ्लोरेंस के एक आर्टिस्ट के द्वारा ड्रॉ की गई एक स्केच है, जिसमें आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बहुत ही सुंदर रेखाओं का प्रयोग किया गया है। तो दोनों ही जो है जगह है, अजंता एंड फ्लोरेंस के जो आर्टिस्ट हैं वो दोनों ही अपने रेखांकन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय कला रेखा प्रधान रही है। भारत की जो प्राचीन शास्त्रीय कला जो है, जिसको क्लासिकल आर्ट कहेंगे, वो भी क्या है, लाइन बेस्ड ड्राइंग ही है। इसके अलावा प्रागैतिहासिक चित्रकला का आधार भी रेखा ही रहा है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्राचीनतम रहने के पीछे, रेखा प्राचीनतम रहने के पीछे उसका ये है कि प्रागैतिहासिक काल में जब मानव ने भी चित्र बनाना शुरू किया था, रेखाओं को ही उसने आधार बनाया था। प्रसिद्ध चित्रकार के हेबार यानी कांटेगरी कृष्ण हेबार ने भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में रेखात्मक शैली को अपनाया था, या फिर ये कहेंगे रेखात्मक शैली में कार्य किया था। दोस्तों के हेबार की जो लाइनें हैं वो बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। यहाँ पे आप इस चित्र के माध्यम से देख पाएंगे कि यहाँ पे दो मैंने ड्राइंग शो की है, तो इस प्रकार से लाइन बेस्ड ड्राइंग जो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। रेखाओं का वर्गीकरण या फिर रेखाओं के प्रकार हम लोग देखते हैं कि रेखाओं के प्रकार कितने होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से रेखाएं दो प्रकार की होती है, सरल रेखा और वक्र रेखा, दो प्रकार की रेखाएं अक्सर मानी जाती हैं। और अंकन के आधार पर रेखाओं को देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक और अनौपचारिक रेखाएं। एक औपचारिक रेखाएं होती है जो कि जिनको फॉर्मल लाइन्स कहेंगे, एक इनफॉर्मल लाइन्स होती है जिनको अनौपचारिक रेखाएँ कहेंगे। अनौपचारिक रेखाएँ हम लोग मैन्युअली अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की नीड नहीं होती है, जबकि औपचारिक रेखाओं को हम लोग किसी टूल्स की सहायता से या फिर किसी नियम या एक रूल में बंध के हम जो ड्राइंग करते हैं वो औपचारिक रेखाएं होती हैं। चित्र सूत्रम में भी रेखाओं के बारे में विवरण देखने को मिलता है। चित्र सूत्रम जिसमें रेखाओं के तीन प्रकार बताए गए हैं, पत्रवर्तना, आहेरिक वर्तना और बिंदु वर्तना। पत्रवर्तना मतलब पत्ती के समान रेखाओं का अंकन करना पत्रवर्तना कहलाता है, जबकि आहेरिक वर्तना जो है वो सूक्ष्म रेखाओं को आहेरिक कहा गया था, और बिंदुओं के द्वारा जो रेखाएं बनाई जाती हैं उनको बिंदु वर्तना कहा जाता है। रेखीय प्रभाव की दृष्टि से रेखा को सात प्रकार का माना गया है। दोस्तों यहाँ पे रेखाओं के जो प्रभाव हैं उनकी दृष्टि से सात प्रकार की रेखाएँ मुख्य रूप से मानी जाती है। अब डिपेंड करता है कि हमें प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये खड़ी लाइनें हैं, खड़ी सीधी या ऊर्ध्वाधर रेखाएं इनको हम लोग कहेंगे, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ गमन करती है। जो सीधी अथवा जो खड़ी रेखाएं होती है, जिन्हें वर्टिकल लाइंस भी कहते हैं, आखिर क्या होती हैं? सीधी खड़ी रेखाएं ऊंचाई और ऊर्ध्व गमन का प्रतीक हैं। तो कि किसका प्रतीक है, ऊंचाई का भी है तो साथ में ऊर्ध्व गमन यानी कि ऊपर की ओर जाने का भी प्रतीक हैं। जैसे कि पेड़, व्यक्ति, खंभा, ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो कि खड़ी रेखा के ही उदाहरण माने जाते हैं। साथ ही प्रश्न पूछा जाता है कि रेखाओं के भाव के बारे में प्रश्न अक्सर आता है कि रेखा कौन से भाव को दर्शाती है। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रेखाएं क्या हैं, भाव प्रधान रेखाएं होती है, तो उनमें से इसका भाव क्या है, उच्चता का, महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, गौरव, शक्ति, स्थिरता और शाश्वतता। जैसा कि इसका एक छोटा सा उदाहरण हम देखें तो अशोक जो सम्राट हुए थे उनके द्वारा परगाह बनाए गए थे, लाट बनाए गए, यानी स्तंभ बनाए गए थे। स्तंभ जो क्या होते थे, स्तंभ जो है वो अपनी उनकी एक महत्वाकांक्षा के प्रतीक थे, दृढ़ता भी हैं, गौरव, शक्ति, तो उसको एक याद रख के आप इनके जो भाव हैं उनको याद रख सकते हैं, खड़ी रेखा के क्या क्या भाव होते हैं। ये आप लाइनें देख पा रहे हैं जिनको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, आड़ी रेखाएं कहेंगे, या इनको हम लोग जो है सीधी पड़ी रेखा भी इनको हम कह सकते हैं। तो क्षैतिज रेखा, सीधी पड़ी रेखा या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन्स जो होती हैं, जो कि दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं की ओर होती है। ये लंबवत रेखा
आकार को आधार प्रदान करती है। जो लंबवत रेखा भी हमने देखी थी, सीधी से खड़ी जो रेखा देखी थी, उसको आधार प्रदान करती है। जिस प्रकार से टी होता है, टी को यदि उल्टा कर देंगे तो वहाँ पे जो क्षैतिज रेखा है वो क्षैतिज है, और जो खड़ी रेखा जो होती है, वो जो खड़ी रेखा का आधार क्या हो जाती है, क्षैतिज रेखा हो जाती है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ पे कि कौन सी रेखा आधार प्रदान करती है। तो क्षैतिज रेखा किसी भी वस्तु को आधार प्रदान करती है, यानी बेस जो होता है वो क्षैतिज रेखा ही होती है। मनुष्य विश्राम अथवा सुषुप्तावस्था में क्षैतिज स्थिति में होता है, यानी जब वह आराम कर रहा होता है या विश्राम करता है तो वह क्षैतिज की स्थिति में ही होता है। अब ये रेखाएं कौन से भाव दर्शाती हैं? तो मानसिक शांति, विश्राम, निष्क्रियता, संतुलन, स्थिरता और मौन, ये सभी भाव दर्शाती है। क्योंकि जब व्यक्ति आराम की मुद्रा में होता है तो वह निष्क्रिय होता है और शांति भी होती है, जाहिर सी बात है, और बैलेंस तो होती है, संतुलन होती है, स्थिरता होती है, और जब आराम करता है मौन रहता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे भाव जो हैं क्षैतिज रेखा के भाव हो गए हैं। ये जो आप रेखाएं देख पा रहे हैं ये तिरछी रेखाएं हो गई हैं, डायगोनल लाइन या स्लेंट लाइन्स इनको हम लोग कहेंगे। तिरछी रेखाएं जो होती है जिनको कर्णवत रेखाएं भी कहते हैं, ये क्या भाव दर्शाती हैं? ये रेखाएं अंतराल में, यानी अंतराल यानी कि वह भाग जहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं उसको अंतराल हम कहेंगे। तो अंतराल में तिरछी व आड़ी खींची रेखाएं जो होती हैं उनको कर्णवत रेखाएं कहते हैं। दोस्तों सामान्य टॉपिक जरूर आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में अक्सर प्रश्न आते हैं और हम लोग कभी कभार गलत भी हो जाते हैं कि जहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है, आपको आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से इनको समझें और इनको अच्छी तरीके से लिखें ताकि किसी प्रकार कोई भी संदेह ना रहे और एग्ज़ाम में आप उसको सही कर सकें, क्योंकि ये आधारभूत कला के तत्व तो एटलीस्ट हमें याद होने ही चाहिए। तो ये रेखाएं कर्णवत कही जाती हैं। भावों की बात करें तो गति, तीव्रता, उत्तेजना, व्याकुलता और नाटकीयता। दोस्तों आप लोग देखते हैं कि जब तिरछी रेखा होती है तो आप एक साधारण सा उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि एक फिसल पट्टी होती है जो बच्चे जिसके ऊपर फिसलते हैं, बच्चे फिसलते हैं, गति उसमें होती है, तीव्रता भी होती है, उत्तेजना भी है, व्याकुलता जो है थोड़ा डिफरेंट हो गया इससे हल्का, और नाट्यकीयता, नाट्यकीयता भी, यानी कि नाटक के भाव भी इसको दर्शाती है कर्णवत रेखाएं। तो इस प्रकार से आसानी से आप इसको संभवतया याद रख सकते हैं। ये जो आप रेखाएं देख पा रहे हैं ये जिगजैग लाइंस हैं या कोणीय रेखाएं इनको हम कहेंगे, जो कोण बनाती हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में समझाने की इसको कोशिश की गई है, किसकी है कि कोणीय रेखाएं जो होती है जिनको एंगुलर लाइन या जिगजैग लाइन भी हम लोग कहते हैं, जो रेखाएं शीघ्रता से दिशा परिवर्तित करती है वे कोणीय रेखाएं कही जाती है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वे कौन सी रेखाएं हैं जो शीघ्रता से दिशा परिवर्तित करती हैं, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो कोणीय रेखा उनको कहेंगे। कौन कौन से भाव दर्शाती हैं ये? असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष, क्षणिकता और आघात। क्षणिकता तो अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है दिशा परिवर्तित करती है, तो ये एक ही क्षण में दिशा परिवर्तित कर जाती है। तो इस प्रकार से ये इसके भाव है कोणीय रेखा के। ये आप जो लाइनें आप देख पा रहे हैं इनको हम लोग कहेंगे एक पुंजी रेखा या फिर रेडिएटर लाइन्स इनको हम लोग कहेंगे, जो एक पुंज से, एक बिंदु से निकल के अलग अलग दिशाओं में जाती है। जरूरी नहीं कि गोली हो, परंतु इनका आधार जो होता है कि बिंदु होता है, बिंदु से ही जो है ये अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। एक पुंजी रेखाएं क्या होती है? ये रेखाएं एक ही बिंदु अथवा केंद्र से निकल के अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। इसके भाव क्या होते हैं? जैसा कि हम अक्सर जब सूरज बनाते हैं तो भी हम लोग इसी प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो शोभा, प्रसार, स्वतंत्रता, लिप्तता और अभिलाषा आदि भाव जो है ये एक पुंजी रेखा दर्शाती है। ये आप देख पा रहे हैं ये एक ही बिंदु से स्टार्ट होकर इसके चारों तरफ जो है ये रेखा घूम रही है, इसको हम लोग घुमावदार, चक्राकार या स्पाइरल रेखाएं इनको हम लोग कहेंगे। घुमावदार रेखाएं जो होती है क्या होती है? ये रेखाएं एक ही बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और विस्तारित होती है, फिर इनका विस्तार होता है। इन्हें वृत्ताकार, वक्राकार या कुंडल सर्पाकार रेखाएं भी कहा जाता है। भाव की यदि हम बात करें तो ये रेखाएं गति, उत्तेजना, वृद्धि, शक्ति, निरंतरता और पूर्णता का भाव दर्शाती हैं। कौन सी रेखाएं? चक्राकार या फिर घुमावदार रेखाएं। यह लाइन आप देख पा रहे हैं लहरदार, प्रवाही या वेवी लाइंस इनको हम लोग कहेंगे। कौन से भाव दर्शाती हैं? इनको रिदमिक लाइंस भी कहते हैं। नदी के प्रवाह की लयात्मक और प्रवाहयुक्त जो रेखाएं होती है वो कौन सी होती है? लयात्मक रेखाएं होती है या फिर लहरदार रेखाएं होती है। कौन सा भाव दर्शाती हैं? बहुत साधारण से हैं, गति का दर्शाती है, माधुर्य और लावण्य। माधुर्य लावण्य लगभग एक दूसरे का पर्याय जैसे ही हैं।
आसानी से आप इनको याद रख सकते हैं। तो ये लहरदार रेखाएं थी। अब बात करते हैं हम लोग रेखांकन की परिभाषा क्या है, रेखांकन क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, रेखांकन रेखा प्लस अंकन अर्थात रेखा का अंकन करना जो है वो क्या कहलाता है, रेखांकन कहलाता है। और उसके काइंड्स क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है वो देखते हैं हम लोग। रेखा को रेखा का किसी भी माध्यम जैसे पेंसिल पेन आदि से अंकन करना रेखांकन कहलाता है। जैसा कि हमने बताया कि रेखा प्लस अंकन जो होता है वो रेखांकन कहलाता है। रेखांकन के कौशल को ड्राफ्टमैनशिप कहा जाता है। दोस्तों जरूर याद करें कि ड्राफ्टमैनशिप का क्या काम होता है, जो रेखांकन में यानी कि लाइन ड्राइंग करने में जो दक्ष व्यक्ति होता है उसको हम लोग ड्राफ्टमैनशिप का कार्य उसको कहा जाता है। एक कौशल है, स्किल है। रेखांकन को मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त किया गया है। रेखांकन को तीन भागों में बांटा गया है कि रेखांकन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे दे रखा है मुख्य रूप से स्वतंत्र रेखांकन, जिसको फ्री ड्राइंग कहते हैं, या फ्री हैंड ड्राइंग जो होती है उसको स्वतंत्र रेखांकन कहते हैं। वस्तु से अपने मस्तिष्क के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर अपनी इच्छा शक्ति से किया गया चित्रण, जिसको स्वतंत्र रेखांकन कहते हैं। यानी कि कुछ भी हमने इसको देखा और उसके प्रभाव के आधार पे हमने फ्री हैंड ड्राइंग की, वो क्या होता है, एक फ्री हैंड ड्राइंग उसको कहते हैं, स्वतंत्र रेखांकन कहते हैं, जिसमें हमें कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए उसको स्वतंत्र रेखांकन कहेंगे। इस पद्धति से अनेक यूरोपीय चित्रकारों ने चित्र रचना की है। जो यूरोपियन आर्टिस्ट हुए हैं उन सभी लोगों ने ऑलमोस्ट इसी रेखांकन टेक्निक का उन्होंने यूज किया है। मुख्य रूप से कांडिंस्की स्वतंत्र रेखांकन के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने इसे परिभाषित करते हुए एक क्रम बताया था, कला वस्तुगत प्रभाव, प्रभाव का व्यक्तिकरण और उसके बाद में संयोजन, के संयोजन जो होता है उसकी एक क्या उसका प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस उन्होंने बताया था कि जो कला होती है उसके बाद में वस्तुगत प्रभाव, प्रभाव का व्यक्तिकरण और संयोजन, ये जो एक डेफिनेशन, एक जो क्रम है ये बताया था कांडिंस्की ने। स्वतंत्र रेखांकन के संबंध में उन्होंने ये प्रस्तुत किया था। दूसरा इसका प्रकार है स्मृति रेखांकन, जिसको मेमोरी ड्राइंग भी कहते हैं। कलाकार जब अपनी स्मरण शक्ति का यानी कि अपनी जब याददाश्त का प्रयोग करके या स्मरण शक्ति के आधार पर जब चित्रण करता है तो उसको स्मृति रेखांकन कहते हैं। हमने कोई दृश्य देखा और उसको उसके बाद में हम याद करके अपनी मेमोरी के आधार पर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको स्मृति रेखांकन कहते हैं। तीसरा जो है मुख्य रूप है प्रतिरूपात्मक रेखांकन, जिसको जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, प्रतिरूपात्मक रिप्रेजेंटेशनल जो ड्राइंग होती है उसको क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के यथार्थ रूप का प्रतिरूप बनाना है, उसकी जीरोक्स बनाना, उसका जो है हूबहू उसका नकल करना, वो क्या होता है, प्रतिरूपात्मक रेखांकन कहलाता है। इसके अलावा भी कई आधार पर रेखांकन किया जाता है। इसके अलावा भी रेखांकन के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि यांत्रिक रेखांकन, जिसको मैकेनिकल ड्राइंग भी कहा जाता है। मैकेनिकल ड्राइंग यानी यंत्रों की सहायता से किया गया रेखांकन जो होता है उसको यांत्रिक रेखांकन कहते हैं, मैकेनिकल ड्राइंग्स को हम लोग कहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रकृति रेखांकन, नेचर ड्राइंग, जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को सामने न रखे उनका सामने रख कर उनका अध्ययन करके रेखाओं के और रूपों का अंकन करना है, वो प्रकृति रेखांकन कहलाता है। प्राकृतिक वस्तुओं को सामने रख के उनका अध्ययन करना और प्राप्त रेखाओं व रूप का अंकन करना प्रकृति रेखांकन कहलाता है, या फिर नेचर ड्राइंग कहलाता है। इसके अलावा सीमांत रेखांकन जो होता है, कंटूर ड्राइंग जो होती है, छाया प्रकाश की मदद से किया गया अंकन जो होता है वो छाया सीमांत रेखांकन कहलाता है। जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण, हालांकि वो क्यूरोस्क्यूरो का है बट फिर भी आप इसको समझ सकते हैं कि जहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, सिर्फ छाया दर्शाते हैं, जिसकी वजह से एक रेखा का भाव वहाँ पे नजर आता है, वो सीमांत रेखांकन कहलाता है। जैसा कि आप लियोनार्डो दा विंची की जो आर्टवर्क है मोनालिसा के वर्क में देखेंगे तो वहाँ पे लाइंस ना बना के सिर्फ जो है छाया प्रकाश का प्रयोग करके, जिसको क्यूरोस्क्यूरो टेक्निक उन्होंने वहाँ पे यूज़ की थी, तो वहाँ पे सीमांत रेखांकन वो कहलाता है। सांकेतिक रेखांकन, गेस्चर ड्राइंग क्या होती है कि परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करके, दोस्तों याद रखिए परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करके प्रत्यक्ष चित्रण कर वस्तु के आयतन का सामंजस्य स्थापित करना, कि जो वस्तु है जितनी वस्तु है उसको बनाना और उसके परिप्रेक्ष्य का यूज़ करके उसको ड्रॉ करना, जिसमें सक्रिय और सहायक रूपों का निर्माण होता है, उसको सांकेतिक रेखांकन कहते हैं। तो एक तरीके से वस्तु के आयतन का सामंजस्य स्थापित करना और परिप्रेक्ष्य के आधार पर जो ड्रॉइंग करते हैं उसको सांकेतिक रेखांकन उसको कहा जाता है, यानी कि गेस्चर ड्रॉइंग कहते हैं। ये कुछ रेखांकन के प्रकार थे। उनमें से एक और बच गया है वस्तु रेखांकन। मुख्य रूप से तीन ही नाम हमने देखे थे,
स्वतंत्र रेखांकन, स्मृति रेखांकन और प्रतिरूपात्मक रेखांकन, ये इसके अन्य प्रकार भी माने जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से तीन ही है। वस्तु रेखांकन में, जिसको ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग कहेंगे, वस्तु समूह को सामने रख के उसका अध्ययन कर लिया गया, अध्ययन करके किया गया अंकन या ड्राइंग। इसमें कलाकार आकार में संबंध व संयोजन के प्राथमिक नियम को समझता है, यानी कि वस्तु रेखांकन जैसा कि सामने ऑब्जेक्ट रखे और उनको ड्रॉ करना, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग कहलाता है। इसमें क्या होता है कि कलाकार जो होता है आकार के बीच में और संयोजन के बीच में क्या संबंध है उनको वो अच्छे से समझ पाता है। तो ये थे क्या रेखांकन के प्रकार थे। अब हम लोग देखते हैं फॉर्म, रूप क्या होता है। रूप के बारे में भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी ऐसा प्रश्न मेरे ख्याल से शेष नहीं बचेगा जो आपको लगे कि इसमें समाहित नहीं किया गया है। रूप क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या अन्य किसी की भी आकृति जिसका अपना निश्चित स्वरूप होता है, निश्चित आकार होता है और वर्ण होता है, उसको रूप कहते हैं। तो निश्चित आकार और जिसका वर्ण होता है उसको रूप कहा जाता है, या फिर किसी भी वस्तु या व्यक्ति की आकृति को रूप कहते हैं। चित्रभूमि के ऊपर एक बिंदु के अंकन से ही रूप का निर्माण शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब हम लोग किसी अंतराल के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर हम लोग एक बिंदु भी ड्रॉ कर देंगे तो वहाँ पर रूप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। रूप किसी भी पदार्थ का चित्रभूमि में प्रथम दृश्य प्रस्तुतिकरण होता है, यानी जो पहली जो दृश्य प्रस्तुतिकरण होता है वो रूप होता है, जिसको एज फॉर्म को यहाँ पे एक जो है दिए गए हैं एक प्रकार से कि एफ से फर्स्ट है, ओ से ऑर्गेनिक, आर से रिलेवेंशन और एम से मैटर, यानी कि ये फॉर्म का यहाँ पे एक विस्तृत रूप जैसे कि हमने प्रस्तुत किया है। ये जो क्या होता है, रूप जो है चित्रभूमि के ऊपर, चित्रभूमि यानी कि अंतराल जिसको हम कहते हैं, यानी कि वह भाग जहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर दृश्य प्रस्तुतिकरण का पहला पार्ट वो होता है। अब देखते हैं कि रूप निर्माण के साथ ही चित्रभूमि सक्रिय हो जाती है, यानी कि एक्टिव हो जाती है। कुछ भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो चित्रभूमि जो होती है, चित्रपट जो होता है, या चित्रपटल कह दें या फिर अंतराल कह दें, वो सक्रिय हो जाती है, यानी एक्टिव हो जाती है। और सक्रिय और सहायक रूप आकारों के मध्य विभक्त हो जाती है, उसमें अलग अलग आकार बन जाते हैं, सक्रिय आकार और सहायक आकार। अब देखते हैं कि सक्रिय आकार क्या होते हैं, एक्टिव फॉर्म क्या होती है। जब आकार चित्रतल पर सक्रिय होकर सहयोग प्रदान करता है, यानी कि जब कोई भी आकार होगा जब वो एक्टिव हो जाता है और चित्र को जो है मुख्य रूप की एक भूमिका निभाता है, तो वो सक्रिय आकार होता है, यानी प्रमुख आकार जिन पर ध्यान केंद्रित होता है सक्रिय आकार कहलाते हैं। जैसे कि अजंता में मृणालसन राजकुमारी का चित्र जो है वो भी एक सक्रिय आकार का, न केवल वही बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक और अन्य ड्राइंग हमने दिखाई जहाँ पे महात्मा बुद्ध को जो है मध्य में बनाया गया है, बाद में कुछ जो अन्य आकृतियाँ वो इनसे छोटी बनाई गई है, गौण है, लेकिन प्रमुख आकृति यहाँ पे भगवान बुद्ध बनाए गए हैं, तो ये एक सक्रिय यहाँ पे फॉर्म बनाई है। इसी प्रकार से मृणालसन राजकुमारी का और जैसे यहाँ पे पद्मपाणी का भी चित्र हमें दे रखा है, तो ये सभी भी क्या है कि मुख्य आकृति जो है वो थोड़ी बड़ी बनाई गई है, अलग बनाई गई है, और बाकी गौण आकृतियाँ अलग से बनाई गई हैं, तो वह सक्रिय फॉर्म होता है। सहायक आकार या नेगेटिव या फिर कमिटेड फॉर्म किसे कहेंगे, तो सहायक आकार वह तल होता है, स्पेस यानी वह अंतराल होता है जो मौन रहकर भी, उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, मौन रहकर भी विषय वस्तु को अर्थ प्रदान करता है, अर्थात गौण आकार जो प्रमुख आकारों को पोषक और संतुलित करते हैं सहायक आकार कहलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इस आर्ट वर्क में देख सकते हैं कि यहाँ पे बोधिसत्व में पद्मपाणी का जो चित्र है मुख्य आकृति बीच में है, पीछे के आकारों का ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने महत्व यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं और मुख्य आकृति जो है उसको पोषित कर रहे हैं, तो ये सक्रिय और सहायक अंतराल होते हैं। आकृति की रचना विषय की आवश्यकता अनुसार सादृश्य मूलक यानी कि जैसा है वैसा का वैसा बनाना, उसको आकृति मूलक या अमूर्त भी हो सकती है। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल अमूर्त चित्रण करते हैं जिसमें कोई फॉर्म नहीं देख पाते हैं, तो रूप जो होता है या आकृति जो होती है वो आकृति भी हो सकती है, उसमें वो किसी को सादृश्य भी हो सकती है, तो वो अमूर्त भी हो सकती है। रूप को एक रास्ता से बचाने के लिए, जहाँ पे ज़्यादा एक ही मतलब भावना नज़र आए, तो रूप को एक रास्ता से बचाने के लिए रूप के लिए प्रमाण व वर्ण के संबंध में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें प्रमाण का और वर्ण यानी रंग का यदि ज्ञान है, तो हम लोग अपना जो भी कोई फॉर्म होगा उसको हम एक रास्ता से बचा सकते हैं, यानी बोरिंगनेस जो उसको दूर कर सकते हैं। अब रूप की एक रास्ता को बचाने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तो
आकृतियों को उनके महत्व के अनुसार छोटा बड़ा बनाना, यानी कोई भी हम लोग आकृति बना रहे हैं, कोई भी हम आर्टवर्क तैयार कर रहे हैं, तो उसमें उसकी महत्व के अनुसार बनाना। जैसे कि भगवान श्री राम के दरबार यदि हम बना रहे हैं, तो भगवान श्री राम जो होंगे उनको हम लोग मध्यम बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे उनको, तो और बाकी जो अन्य आकृतियाँ होगी उनको भी उनके महत्व के हिसाब से छोटा बड़ा बनाया जाए। जैसा कि अभी हमने देखा था महात्मा बुद्ध के चित्र में हमने देखा था, रंगों का महत्व रूप के महत्व के हिसाब से विविधतापूर्ण और आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना, यानी कि हम लोग कलर्स का भी जो है डिफरेंट यूज़ करके और उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करके रूप को एक रास्ता से, यानी कि उसकी जो बोरिंग है या उसको जो नीरसता है उससे बचा सकते हैं। इसके अलावा मुख्य आकृति को मध्य में बनाना और अन्य आकृतियों को उससे दूर बनाना, थोड़ा सा अंतराल देकर बनाना, वो भी एक प्रकार से एक रास्ता दूर करने का, नीरसता दूर करने का एक टाइप है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार पोत का प्रयोग करना, जहाँ पे जिस प्रकार से आवश्यक है उस प्रकार से आवश्यकता का प्रयोग करना। इसके अतिरिक्त एक और है कि जो मुख्य आकृति होती है उसको हमें यदि दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको लावण्य जो योजना है उसके तहत उसको हम लोग अधिक डेकोरेट कर देंगे, और बाकी की जो आकृतियाँ होंगी उनको क्या करेंगे, उनका अलंकरण थोड़ा कम होगा। तो इस प्रकार से हम लोग रूप को नीरसता से बचा सकते हैं। चित्र सूत्रम में 8वें अध्याय में, चित्र सूत्रम जिसमें चित्रला के बारे में 9 अध्याय देखने को मिलते हैं, तो उसके 8वें अध्याय में रूप निर्माण के संबंध में व्याख्या दी गई है, जिसमें ऋषि, दैत्य, मानव, देवता, दानव, कुब्बड़, बोने, अनेक प्रकार के प्राणियों के रूप निर्माण के ऊपर प्रकाश डाला गया है, यानी कि कौन सा फॉर्म कैसे बनाते हैं उन सभी के बारे में सारी विवेचना दी गई है चित्र सूत्रम के 8वें अध्याय में। इसके अलावा वात्स्यायन के काम सूत्र यानी काम शास्त्र में भी जो रूप भेद को चित्रकला के एक अंग के रूप में व्याख्या की गई है, यानी षडांग में हम जो पहला ही जो अंग देखते हैं वो रूप भेद ही है, जिसमें रूप के बारे में विवेचना देखने को मिलती है। प्रभाव के अनुसार रूप या आकार के अनुसार निम्न प्रकार से रूप को वर्गीकृत किया जा सकता है कि रूप को कितने भागों में उसको बांट सकते हैं उसके आकार के आधार पर या उसके प्रभाव के अनुसार। पहला है देखो नियमित या सममित रूप, सममित नाम भी आ सकता है, नियमित भी आ सकता है, जिसको सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहेंगे। तो सिमेट्रिकल फॉर्म नियमित आकार या फिर सममित रूप जो है क्या होता है, जिसके दोनों भाग समान हो, यानी कि कोई भी फॉर्म जब उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं तो उसके दोनों भाग समान हो, अर्थात जो अपने दूसरे या अर्ध भाग के विलोम होते हैं। ये किताबी भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो इस प्रकार से आता है, उसको समझना अत्यंत आवश्यक होता है। तो उसी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है कि जो अपने दूसरे या फिर अर्ध भाग जो दूसरा उसका भाग होता है उसके विलोम होते हैं, यानी बिल्कुल उसका वैसा का वैसा ही होते हैं। जैसे कि वृत्त, घन, आयत, त्रिकोण, गिलास आदि ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको आप दो भागों में डिवाइड करेंगे, दोनों भाग क्या होंगे, समान होंगे, उनको हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म या फिर सममित या नियमित रूप कहेंगे। दूसरा प्रकार है अनियमित या असममित रूप, यानी कि हम असिमेट्रिकल रूप उनको हम लोग फॉर्म उनको कहेंगे, जिसमें क्या होगा कि एक भाग दूसरे भाग के जैसा ना हो, जिसका एक भाग दूसरे भाग के समान न हो, और जिसका अर्ध भाग या फिर जिसका अर्ध भाग दूसरे से भिन्न हो या अलग हो, उसको क्या कहेंगे, अनियमित रूप कहेंगे। जैसे कि शंख है, पेड़ है, केतली है, और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक दूसरे के समान नहीं होते हैं डिवाइड करने पे, वो अनियमित रूप कहलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक फॉर्म के जरिए बताने की कोशिश की गई कि सिमेट्रिकल फॉर्म और एसिमेट्रिकल फॉर्म किस प्रकार से होती है। यहाँ पे दोनों में पहला जो चित्र है वो जो है नियमित रूप का आकार है, नियमित रूप है, और दूसरा अनियमित रूप है। ताजमहल को यदि हम देखें तो ताजमहल भी जो है एक सिमेट्रिकल फॉर्म का यानी कि नियमित रूप का ही एक उदाहरण है। पूछा जा सकता है, कुछ ही पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि ताजमहल कौन सा प्रकार का रूप है, तो ये नियमित एक प्रकार का आकार है, इसके दोनों भाग जो है क्या है, समान बनाए गए हैं। इसके अलावा रूप को यथार्थवादी, अलंकारिक, सरल, काल्पनिक और प्रतीकात्मक भेदों के आधार पर भी जो है रूप को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। अब देखते हैं कि रूप या फिर आकार जो होते हैं उनके क्या भाव हैं, उनको क्या क्या प्रभाव उनको हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला जो है आयताकार, एक आयताकार जो रूप होता है वो क्या भाव दर्शाता है, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म जो होती है उसके क्या भाव हैं, स्थिरता, दृढ़ता, शांत और प्रभाव जो है एकता, ये सभी जो भाव दर्शाते हैं वो कौन से दर्शाते हैं, आयताकार जो रूप होते हैं वो ये भाव दर्शाते हैं। त्रिभुजाकार की यदि हम बात करें तो त्रिभुजाकार जो है वह स्थिरता, सुरक्षा, शाश्वतता
और विकास का प्रतीक जो होती है वो त्रिभुजाकार आकार होते हैं, ट्रायंगुलर जो शेप्स होती हैं फिर फॉर्म होती हैं वो ये भाव दर्शाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज है, वृत्ताकार है, अंडाकार है, आयताकार है और विलोम त्रिभुजाकार यहाँ पे हमने आकार दर्शाए हैं। विलोम त्रिभुजाकार यानी कि रिवर्स जो ट्रायंगुलर शेप है या फॉर्म है वो क्या भाव दर्शाती है, ये जरूर याद रखेगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है ये। अनिश्चितता, अशांति, लिप्तता और शीघ्र परिवर्तन का जो है प्रभाव दर्शाते हैं विलोम त्रिभुजाकार के आकार जो होते हैं वो। इसके अलावा अंडाकार, जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछते ही हैं मोस्टली, सौंदर्य, सृजनात्मकता और नित्यता का जो भाव है वो दर्शाते हैं अंडाकार आकृतियाँ जो होती है वो। इसके अलावा जैसे कि एक फिश जो होता है यदि अंडाकार, ज़्यादातर जो सौंदर्य को दर्शाने वाले जो फॉर्म होती है, जो चेहरे होते हैं वो क्या होते हैं, अंडाकार शेप में ही होते हैं। फिर है वृत्ताकार यानी सर्कुलर फॉर्म जो होती है वो कैसे होती है, उसका भाव क्या होता है, तो पूर्णता, आकर्षक, गति, समानता और विशालता ये भाव दर्शाते हैं कौन से, वृत्ताकार फॉर्म होती है। प्राचीन भारतीय कला भाव प्रधान रही है और रूप का अर्थवान होना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि कला को रूप का शरीर कहा जाए, यदि कला को रूप का माफ़ कीजिएगा, कला में रूप को शरीर कहा जाए तो अर्थ को कला का प्राण कहा जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से दोनों में संबंध स्थापित किया गया है कि यदि रूप शरीर है तो कला उसका प्राण है। कालिदास ने रूप या शब्द को जगत माता और अर्थ को जगत पिता कह के संबोधित किया, यानी कालिदास ने भी जो है रूप और शब्द के बारे में और अर्थ के बारे में विवेचना की, जिसमें उन्होंने शब्द या रूप को जगत माता जबकि अर्थ जो होता है मीनिंग जो होती है उसको जगत पिता कहा है उन्होंने। तो अर्थसार जो है इसको हम लोग फॉर्म का एक अर्थसार होता है, वो क्यों बनाया गया, उसका मीन क्या है, तो उसके अर्थसार के आधार पर रूपों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सामुदायिक फॉर्म या फिर सामुदायिक अर्थसार, कलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट। ये क्या होता है, यह उन चित्रों में दिखाई देता है जहाँ पर चित्र एक से अधिक रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या सामाजिक होते हैं, जो देश से काल के संबंध को दर्शाते हैं, यानी कि चित्र के संबंध को भी दर्शाते हैं, वो होते हैं सामुदायिक अर्थसार के। 20वीं सदी से पूर्व की कला में सामुदायिक अर्थसार देखने को मिलता है, यानी कि 20वीं सेंचुरी से पहले के जो भी आर्टवर्क्स तैयार किए जाते थे वो मोस्टली सामुदायिक अर्थसार यानी कि कलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट पर आधारित जो है वो आर्टवर्क हुआ करते थे। अजंता की कला इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, यानी अजंता के जो भी चित्र बनाए गए हैं वो सामुदायिक अर्थसार का जो है प्रकार है, यानी पब्लिकली हम कह सकते हैं कि जो केवल खुद के लिए ना बना के सबके लिए पूरे समुदाय को बेस्ट या आधार मान के जो आर्ट फॉर्म तैयार किए जाते हैं तो वो सामुदायिक अर्थसार होते हैं। व्यक्तिगत अर्थसार क्या होते हैं, पर्सनल कॉन्टेस्ट क्या होते हैं, जो चित्र व्यक्तिगत कल्पनाओं व विचारों का परिणाम होती है, जो चित्र व्यक्तिगत यानी कि उसके पर्सनल उसकी इमेजिनेशंस होती हैं, खुद के ओपिनियंस होते हैं, उनके आधार पर जो आर्ट फॉर्म बनाई जाती है उनको व्यक्तिगत अर्थसार कहेंगे। 20वीं सदी के बाद के जो कलाकार थे व्यक्तिगत दृष्टिकोण को उन्होंने अपनाया था और अपनी मानसिक कल्पनाओं के आधार पर सृजन का आधार बनाया था। तो 20वीं सदी के बाद के जो आर्टिस्ट हैं मोस्टली उन्होंने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को अपनाया है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे MCQs देखेंगे। मैं यहाँ पे केवल दो जो अपने तत्व हैं यानी कि रेखा और रूप को हमने आधार माना था और अब उसके हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो पहला है इसका प्रश्न, चित्रकला के तत्व कितने होते हैं। आप खुद एनालाइज करते रहिएगा साथ में कि आपने अभी तक पढ़ा है वो कितना आपको याद रह चुका है या फिर कितना याद है, आप खुद एनालाइज कीजिएगा। तो चित्रकला के तत्व कितने हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, 6 जो है वो चित्रकला के तत्व हैं। कला की भाषा जिन अवधारणाओं पर आधारित है उन्हें क्या कहा जाता है, षडांग कला के तत्व, कला के सिद्धांत या फिर दृश्य कला। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कला की भाषा जिन अवधारणाओं पर जिन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित होती है उनको कला के तत्व कहा जाता है। दोस्तों एग्ज़ाम्स में जब भी एग्ज़ाम होती है कुछ नए नए प्रश्न निकल के आते हैं, तो आज कोशिश करें कि आप प्रश्न को जो है उनकी भाषा को समझने की कोशिश करें। चित्रकला के तत्वों का सही क्रम क्या है, तो क्रम भी हमें याद करना है कि इनका सही क्रम क्या होगा। तो आप पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए कौन सा इसका आंसर सही हो सकता है, रूप रंग रेखातान, रेखा रूप रंगतान, तान रंग रूप रेखा या रेखा रंग रूप तान। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, सबसे पहले हमने रेखा को पढ़ा फिर रूप को पढ़ा था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेखा रूप रंग तान पोत अंतराल। दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई क्या है,
रंग, रेखा, बिंदु या फिर रूप क्या हो जाएगी दोस्तों? जैसा कि हमने पढ़ा था, बिंदु है वो दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है, दो सीमाओं के बीच के विस्तार को क्या कहा जाता है? यहाँ पे अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया है, दो सीमाओं के बीच का विस्तार को क्या कहेंगे? रूप, रेखा, आकार या फिर अंतराल? जैसा कि हमने देखा था, रेखा यानी कि दो सीमाओं के बीच का जो अंतराल होता है उसको हम लोग रेखा कहते हैं या विस्तार को हम लोग रेखा कहते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? अनुभूत रेखाएं, बोधी रेखाएं, निश्चित रेखाएं या फिर आभासी रेखाएं? जैसा हमने देखा था कि निश्चित उद्देश्य को लेकर खींची गई रेखाएं बौद्धिक रेखाएं कहलाती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी फॉर बॉल। जो रेखाएं दर्शक की अनुभूति अथवा भावों को प्रभावित करती है उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि अनुभूति या फिर भावों को प्रभावित करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? भावात्मक रेखा, बौद्धिक रेखा, अनुभूत रेखा या फिर आभासी रेखाएं? जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भावात्मक रेखाएं, यानी कि भावों को दर्शाने वाली रेखाएं भावात्मक रेखाएं, जिससे पहले हमने देखा था बौद्धिक रेखाएं जो निश्चित उद्देश्य को लेकर खींची जाती हैं। परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग कर किया गया प्रत्यक्ष चित्रण जो वस्तु के आयतन और सामंजस्य को स्थापित करता है उसे क्या कहते हैं? यानी किस प्रकार का रेखांकन होता है परिप्रेक्ष्य का यूज करके किया गया प्रत्यक्ष चित्रण? सीमांत, सांकेतिक, स्वतंत्र या फिर प्रतिरूपात्मक? दोस्तों क्या इसका आंसर हो सकता है? हाँ, आप अपना जो भी आंसर होता है अपने मन में सोच लिया करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सांकेतिक रेखांकन, इसका हो जाएगा। एक रेखा के कितने आयाम होते हैं? जैसा कि हमने पढ़ा था, एक रेखा के कितने आयाम होते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दो आयाम होते हैं, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है रेखा की। हाँ, रेखा से कितने आयाम जो है दर्शाए जा सकते हैं? तो तीन आयाम दर्शाए जा सकते हैं, त्रिआयामी बनाई जा सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में होती कितने हैं? दो ही आयाम होते हैं, द्विआयामी रेखा। रेखा क्या होती है? द्विआयामी होती है। किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? बौद्धिक रेखाएं। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों का आधार क्या था? रूप, रंग, रेखा या फिर पोत? तो उनका मैन जो है वो क्या था? रेखा पर आधारित उन्होंने चित्र बनाए थे, जो उन्होंने कोयले से या गेरू रंग से या फिर किसी कुरेद के उन्होंने क्या किए थे, आर्ट फॉर्म तैयार किए थे। छाया प्रकाश के माध्यम से किया गया रेखांकन क्या कहलाता है? जैसा कि हमने देखा था, इसका ऑप्शन आ जाएगा सीमांत रेखांकन, पहला नंबर का ऑप्शन। अगला है, भारत में सर्वश्रेष्ठ रेखांकन के लिए कौन सी गुफाएं प्रसिद्ध है? अजंता, एलोरा, बाघ या फिर सिगिरिया? तो यहाँ पे सिगिरिया तो भारत में ही नहीं है, तो तीन बच रही है, तो उनमें से अजंता की जो गुफाएं हैं वो अंकन के लिए यानी कि रेखाओं के अंकन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंकन के लिए जानी जाती हैं। अगला है, निम्न में से कहाँ के कलाकार अपने रेखांकन के लिए प्रसिद्ध थे? तो कहाँ के हैं? जी हाँ, फ्लोरेंस के आर्टिस्ट इसके लिए फेमस है। अगला है, निम्न में से किस कलाकार ने अंत में या फिर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में रेखात्मक शैली को अपनाया था? बेंद्रे, हेबार, स्वामीनाथन या फिर सुजा? जैसा कि हमने पढ़ा था, के हेबार ने रेखात्मक शैली को अपनाया था। अगला प्रश्न है, अपने मोटिव सशक्त रेखांकन के लिए कौन कलाकार प्रसिद्ध है? ये प्रश्न का समय समावेश हमने नहीं किया था इसके, लेकिन आप समझें इसको, अमरता शेरगिल, यामिनी रॉय, बीसी सान्याल या फिर नंदलाल बसु? तो अपने मोटिव सशक्त रेखांकन के लिए कौन फेमस है? जी हाँ दोस्तों, आप यदि यामिनी राय के यदि आर्टवर्क देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे, तो यामिनी रॉय इसका सही जवाब हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही था। अगला है, यंत्रों की सहायता से किया गया रेखांकन क्या कहलाता है? तो यंत्रों की सहायता से जो रेखांकन करते हैं वो क्या? मैकेनिकल ड्राइंग यानी कि यांत्रिक रेखांकन, इसका चार नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सी रेखा असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष आदि के भाव दर्शाती है? दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी रेखा असुरक्षा, अस्पष्टता या फिर संघर्ष का भाव? तो देखो यहाँ पे असुरक्षा और अस्पष्टता की बात हो रही है, तो एक पुंजी प्रसार वगैरह का भाव दर्शाती है, कोणीय रेखा क्या दर्शाती है? संघर्ष का दर्शाती है, व्याकुलता का, अस्पष्टता का, असुरक्षा का दर्शाती है। खड़ी रेखा शाश्वतता का बताया हमने, दृढ़ता का बताया था इनका, और सीधी रेखा भी यही होती है, तो खड़ी सीधी रेखा दोनों की बात हो गई है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोणीय रेखा। अगला है, चित्रकला में रेखांकन के कौशल को क्या कहा जाता है? लाइन ड्राइंग, इलस्ट्रेशन, ड्राफ्टमैनशिप या फिर ड्राइंग? तो उसको ड्राफ्टमैनशिप उसको कहेंगे, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र में रेखा के कितने प्रकार बताए गए? तो रेखा कितने प्रकार की बताई गई थी चित्रसूत्र में? जी हाँ दोस्तों, तीन प्रकार की रेखाएँ जो है चित्रसूत्र में बताई गई थी, बिंदुवर्तना, पत्रवर्तना और आहेरिक वर्तना। जो रेखाएं एक ही बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाती हैं या विस्तारित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था, हाँ,
उसको कहेंगे हम लोग चक्राकार रेखा, यानी एक ही बिंदु के चारों ओर लगाने वाली चक्र लगाने वाली रेखाएं चक्राकार रेखाएं हो गई है। अगला प्रश्न है, जब कलाकार अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर चित्रण करता है उसे क्या कहते हैं? तो अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर, अपनी मेमोरी के आधार पर करने वाले ड्राइंग को क्या कहेंगे? फ्री हैंड ड्राइंग, मेमोरी ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग या फिर कंट्यूर ड्राइंग, तो क्या कहेंगे उसको? जी हाँ दोस्तों, मेमोरी ड्राइंग उसको कहेंगे, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लहरदार रेखाएं कौन सा भाव प्रदर्शित करती है? तो लहरदार रेखाएं हैं तो यहाँ पे गति, उत्तेजना या वृद्धि, तो यहाँ पे दूसरा है गति, माधुर्य, लावण्य। तो लहरदार रेखाओं के तीन ही भाव हैं, गति, माधुर्य और लावण्य, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि हमने कोशिश की कि सारे प्रश्न इसमें हम लोग समावेश कर सकें ताकि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। इसका दूसरा भाग भी हम लोग अपलोड करेंगे क्योंकि अभी तो एक भाग में इनका समावेश करना संभव नहीं है, इसलिए दूसरा भाग भी हम उसका जल्दी ही अपलोड करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, जब कलाकार एक से अधिक बिंदियों का अंकन करे और उनके बीच में रेखा नहीं खींचे, फिर भी दर्शक के अवलोकन करने पर रेखा का भ्रम उत्पन्न होता है, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? जैसा कि हमने देखा था, इसका क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसका चार नंबर का जो ऑप्शन है, अनुभूत रेखाएँ, यानी कि फेल्ट लाइन जो है, इसका चार नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के यथार्थ रूप का प्रतिरूप बनाना कौन सा रेखांकन कहलाता है? जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है कि प्रतिरूप बनाना, मतलब प्रतिरूपात्मक रेखांकन। अगला प्रश्न है, चित्र सूत्रम के अनुसार कौन सा रेखा का प्रकार नहीं है? हमने तीन प्रकार देखे थे, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे पहला पत्रवर्तना है, दूसरा मिश्र वर्तना नहीं है, आहिरिक वर्तना और बिंदु वर्तना है, तो दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी कि मिश्र वर्तना चित्र सूत्रम के अनुसार रेखा का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखाएं गति, तीव्रता, उत्तेजना और व्याकुलता और नाटकता के भाव को दर्शाती है? तो नाटकता का नाम आ रहा है, गति, तीव्रता और उत्तेजना का नाम आ रहा है, तो कौन सी हो जाएगी वो रेखाएं? जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे सही देख पा रहे हैं, ये रेखाएं कौन सी हो जाएगी? कर्णव्रत रेखाएँ हो जाएंगी, क्योंकि एक पुंजीय रेखा, चक्राकार रेखा, लहरदार रेखाएँ, इनके भाव यदि हमें मालूम है तो कर्णव्रत रेखा का भाव अपने आप हमें पता हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप प्रत्येक जो रेखा है उसके भाव को अच्छे से याद रखें और ऑप्शंस के हिसाब से देखें, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से कांडिंसकी किस रेखांकन के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, या स्वतंत्र रेखांकन के लिए। प्रश्न है, अंकन के आधार पर रेखाओं को कितने भागों में बांटा गया? अंकन के आधार पर दो प्रकार की रेखाएं हमने देखी थी, कौन कौन सी देखी थी? औपचारिक और अनौपचारिक, दो प्रकार का रेखांकन हमने देखा था, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वस्तु से अपने मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर अपनी इच्छा शक्ति से किया गया चित्रण कार्य क्या कहलाता है? सीमांत रेखांकन, ज्यामितीय रेखांकन, स्वतंत्र रेखांकन या फिर यांत्रिक रेखांकन। जैसा कि इसको पढ़ने से पता चल रहा है कि इच्छा शक्ति से बनाया गया, तो स्वतंत्र रेखांकन इसका हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखाएं शोभा, प्रसार, स्वतंत्रता, लिप्तता और अभिलाषा का भाव दर्शाती है? तो यहाँ पे जब शोभा और प्रसार का नाम आ रहा है तो आपके दिमाग में याद आना चाहिए तुरंत से कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, एक पुंजी रेखा यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो कौन सा दे दिया यहाँ पे? रेडिएशन लाइन जो होगी, यानी एक प्रकार से एक पुंजी रेखा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पाइरल, रेडिएशन, एंगुलर और रिदमिक लाइन, तो उसमें दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी पदार्थ का चित्रभूमि में प्रथम दृश्य प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? रेखा, पोत, रूप या फिर अंतराल, क्या होगा? जी हाँ, इसका सी ऑप्शन सही होगा, रूप इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है, जब आकार चित्रतल पर सब्जेक्ट यानी मुख्य आकृति को सक्रिय होकर सहयोग प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो मुख्य आकृति यहाँ पे बात की जा रही है, सक्रिय होना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सममित रूप, असममित रूप, सहायक रूप या फिर सक्रिय रूप, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सक्रिय रूप, यानी सक्रिय फॉर्म, एक्टिव फॉर्म इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्र सूत्रम के किस अध्याय में रूप निर्माण के संबंध में व्याख्या प्रस्तुत की गई है? बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तीसरा, दूसरा, सातवां या फिर आठवां? जी हाँ, आठवां इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आठवें अध्याय में जो है रूप निर्माण के संबंध में व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा आकार सौंदर्य, सृजनात्मकता और नित्यता के भाव को दर्शाता है? यानी कौन सा आकार किसको दर्शाता है? सौंदर्य, सृजनात्मकता, नित्यता आदि के भाव दर्शाता है, तो इसमें कौन सा जगह? अंडाकार, त्रिभुजाकार या फिर आयताकार? सौंदर्य का नाम आ रहा है दोस्तों, याद रखें, जहाँ सौंदर्य का नाम आ रहा है वहाँ पे कौन सा होगा? अंडाकार ही होगा। वह तल जो मौन रहकर भी विषय वस्तु को अर्थ प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसको कहेंगे हम लोग सहायक रूप, सी ऑप्शन इसका सही होगा, सहायक रूप। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता, अशांति, लिप्तता और शीघ्र परिवर्तन का भाव दर्शाने वाला आकार कौन सा है?
तो यहाँ पे विलोम त्रिभुजाकार जो है इसका जवाब होगा यानी सी ऑप्शन, यानी कि तीसरे नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है वृत्ताकार या फिर सर्कल फॉर्म कौन से भाव दर्शाती हैं, यानी कि सर्कल जो फॉर्म होती है वो कौन से भाव को दर्शाती है, इसका पहला ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्णता, आकर्षण, गति, समानता और विशालता के जो भाव दर्शाती है वो कौन से दर्शाती है, सर्कल फॉर्म यानी कि वृत्ताकार आकृतियां दर्शाती है। अगला प्रश्न है रूप को अर्थसार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो रूप को अर्थसार के आधार पर जी हाँ दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं दो भाग, सामुदायिक और व्यक्तिगत, बिल्कुल। अगला है कालिदास ने रूप या शब्द को किस नाम से संबोधित किया है, तो कालिदास ने रूप या शब्द को जगत माता कह के पुकारा है, जबकि अर्थ को क्या कहा है, जगत पिता, तो इसका जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब होगा जगत माता। अगला प्रश्न है किसी भी वस्तु व्यक्ति या अन्य किसी भी आकृति अथवा जिसका अपना निश्चित आकार और वर्ण होता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ तो उसको रूप कहेंगे, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा रूप। और अगला प्रश्न है कि षडंग के किस अंग में रूप के बारे में बताया गया, तो कौन सा अंग है, जी हाँ दोस्तों रूप भेद में जो है अंग के बारे में माफ कीजिएगा रूप के बारे में बताया गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक अर्थसार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सी गुफाएं हैं, तो सामुदायिक अर्थसार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है कि रूप को एक रास्ता से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है, यानी कि इसमें कौन सा कथन असत्य है, कि रूप को एक रास्ता से बचाने के लिए कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो पहला है कि आकृतियों को उनको महत्व के अनुसार छोटा बड़ा बनाना सही है, रंगों को रूप के महत्व के अनुसार और विविधतापूर्ण प्रयोग करना ये भी सही है, मुख्य आकृति को मध्यम बनाना और अन्य आकृतियों के बीच में थोड़ा स्पेस रखना ये भी सही है, और इसका डी ऑप्शन है केवल बड़े आकारों का चयन करना, तो ये इसका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि केवल बड़े आकारों का चयन करके हम लोग रूप को एक रास्ता से नहीं बचा सकते हैं। और अगला और लास्ट इसका प्रश्न है रूप को कितने भागों में बांटा गया है, तो रूप कितने भागों में बांटा गया है, जी हाँ दोस्तों दो भागों में बांटा गया था, सममित और असममित रूप। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर से बताइएगा, दूसरे भाग का भी आप जल्दी हम लोग अपलोड करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप बेसब्री से इंतज़ार कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आपको अच्छा लगा है तो आपका दूसरा भाग भी हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ हमने आपको देने की कोशिश की है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।